माय नेम इज़ अलीना मसर एंड द आईडी इज़ 1900206701. प्रोग्राम इज़ द बीएस केमिस्ट्री एंड द टॉपिक ऑफ द प्रेजेंटेशन इज़ द इंटरमीडिएट एसक्यूएल. एसक्यूएल में हमारे पास बहुत से लॉजिकल और ऑपरेटर्स हैं जिनकी मदद से हम डिफरेंट तरह की कंडीशंस अपने डाटा के ऊपर अप्लाई करते हुए वहाँ से डाटाबेस में से डाटा को सिलेक्ट करते हैं. लॉजिकल ऑपरेटर ऑल इसकी रिजल्ट ट्रू होता है अगर हमारे पास जितने भी हमने सब क्यूरीज लिखी हैं. सब क्यूरी बेसिकली या क्यूरी विद इन अ क्यूरी होती है. उस सब क्यूरीज की वैल्यूज़ जो भी कंडीशन हमने वहाँ पे लिखी हुई है वो सारी मीट करेंगी तभी जाके हमारे ये ऑल ऑपरेटर जो है इसकी रिजल्ट ट्रू आएगा. एंड ऑपरेटर में हमारे पास कंडीशन जो होती हैं वो सेपरेटेड हमने की होती हैं एंड से, और दोनों कंडीशन जब हमारी ट्रू होंगी या दो से ज़्यादा कंडीशन अगर हमने एंड ऑपरेटर के जरिए कंबाइन की हुई हैं तो सारी ट्रू होंगी तभी जाके हमारे पास हमारा डाटा शो होगा. एनी में से है कि हमारे पास सब क्यूरीज के अंदर जो हमने कंडीशन लगाई हुई हैं उन सब क्यूरीज में से किसी एक की भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो वहाँ पर एनी इनसे ऑपरेटर से हमारा रिजल्ट आ जाएगा. बिटवीन में हम बेसिकली रेंज ऑफ द कंपेरिजन देते हैं वो वैल्यूज़ में से, अगर तो हमारा डाटा उनके बिटवीन है तो फिर हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा. एग्जिस्ट में यह है कि अगर कोई सब क्यूरी रिटर्न कर देती है वन और मोर रिकॉर्ड तो फिर ये ट्रू है, अदरवाइज़ ये हमारे पास फॉल्स होगा. इनमें यह है कि हमारा जो ऑपरेंड है उसको एक लिस्ट ऑफ द एक्सप्रेशंस दिया गया है, यानी कि लिस्ट के तौर पे हमने उसको डाटा दे दिया कि अगर हमारा ऑपरेंड ये वाली वैल्यूज़ रखता है तो फिर इनमें इस लिस्ट में से कोई भी वैल्यू रखता है तो उसको हम ट्रू दे दें. लाइक में हमारे पास ये होता है कि हम कोई पैटर्न मैच करना चाह रहे होते हैं, जैसे कि कोई डेट का पैटर्न है या कोई नेम का पैटर्न है, हम चाह रहे हैं कि किसी भी पर्सन का नेम जो है ए से स्टार्ट हो रहा है या फिर उसके लास्ट पे ए आ रहा है, तो वहाँ पे हम जो है वो लाइक ऑपरेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं. नॉट ऑपरेटर जो है ये हमारी कंडीशन के रिजल्ट जब नॉट ट्रू होगा तो तब ये कोई ना कोई रिकॉर्ड जब हमें शो करवाता है. और ऑपरेटर ये चॉइस के लिए ये किया जाता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा कंडीशन हैं उनको सेपरेट किया जाता है और ऑपरेटर से, और उन कंडीशन में से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाती है तो हमारा और ऑपरेटर हमें ट्रू रिजल्ट देगा. सम है अगर सम क्यूरी सब क्यूरीज जो हमने लगाई हुई हैं उसकी किसी कोई एक भी क्यूरी की जो कंडीशन है वो हमारे पास मैच कर जाती है तो फिर उसके रिजल्ट के तौर पर हमारा जो सम ऑपरेटर होगा वो ट्रू का डाटा देगा हमें. एसक्यूएल के अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं और कुछ ऑपरेटर की मदद से किए जाते हैं, जैसे कि एक यूनियन ऑपरेटर है ये क्या करता है कंबाइन कर देता है रिजल्ट सेट ऑफ द टू आर द मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट्स, यानी कि दो या दो से ज़्यादा हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट्स यूज़ की हुई हैं उनका जो रिजल्ट आएगा उनको आपस में ये कंबाइन करके हमें एक ही टेबल के फॉर्म में ये शो करवाएगा. सिलेक्ट स्टेटमेंट में जब हम यूनियन का कीवर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास ये होगा कि दोनों के कॉलम्स के जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं टेबल्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो सेम होने चाहिए, और इसके अलावा जो कॉलम्स हैं उनकी डाटा भी हमारे पास सेम होनी चाहिए. सिंटैक्स है इसका सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन, सिलेक्ट यहाँ पे कीवर्ड है, कॉलम नेम्स जो भी हम टेबल वन में से कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उनके नाम यहाँ पे लिखेंगे और टेबल वन जो है वो पहले टेबल को शो कर रहा है. यूनियन यहाँ पे कीवर्ड है और ये ऑपरेटर के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है, और ये क्या करेगा पहले वाले टेबल के आए हुए डाटा को कंबाइन कर देगा दूसरे आए हुए टेबल के डाटा के साथ. उसके बाद है सिलेक्ट इंटरसेक्ट. इंटरसेक्ट में बेसिकली हमारे पास वो वाला डाटा या वो रिकॉर्ड शो होता है जो कि दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन है. इंटरसेक्ट क्लॉज एसक्यूएल के अंदर यूज़ किया जाता है कंबाइन करने के लिए टू सिलेक्ट स्टेटमेंट्स, लेकिन डाटा सेट जो हमें रिटर्न हो के आएगा वो इंटरसेक्ट स्टेटमेंट में वो सिर्फ वही वाला ही होगा जो कि दोनों के अंदर एक जैसा होगा. अब नए सिंटैक्स की बात करें तो सिलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू फ्रॉम द टेबल नेम्स, यानी कि किसी एक टेबल में से आप जो भी कॉलम से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो इस सिलेक्ट स्टेटमेंट में लिखें. वेयर कंडीशन, अगर आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं तो आप कंडीशन लगा लें. इंटरसेक्ट है और इंटरसेक्ट के बाद दूसरी ने सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है, और इन दोनों सिलेक्ट स्टेटमेंट का जो रिज़ल्ट आएगा उनमें से जहाँ पे ये डाटा मैच करेगा वही डाटा सिर्फ हमें यहाँ पर शो करवाया जाएगा. डेट टाइम है, MySQL जो है उसके अंदर डेट टाइप्स डेट और टाइम को स्टोर करने के लिए हमारे पास डिफरेंस ही हैं. डेट है एक हमारे पास डाटा टाइप, इसका फॉर्मेट क्या है कि पहले ईयर डिस्प्ले होता है फिर मंथ और बाद में डे. डेट टाइम है, इसके अंदर आपका ईयर मंथ डेट और आवर्स मिनट्स और उसके बाद सेकंड्स. फिर टाइम स्टैम्प है, इसका फॉर्मेट भी वैसा ही है कि पहले आपके पास ईयर है मंथ है डेट
फर्स्ट है, फिर ऑर्स, मिनर्स और सेकेंड है। ईयर फॉर्मेट यहाँ पे दो तरह के हैं, एक ये है कि हम अपना कंप्लीट ईयर करवा सकते हैं और एक है कि हम सिर्फ लास्ट वाले टू डिजिट्स जो हम वो करवा सकते हैं। जैसे 2022 अगर पूरा हमें शो करवाना है तो हमें फर्स्ट वाला जो टेट्रा पाई लिखा हुआ है उसको यूज़ करना पड़ेगा, और अगर हम सिर्फ 22 शो करवाना चाहते हैं तो हम दूसरे वाला जो टू टाइम्स पाई है उसको यूज़ कर सकते हैं। एसक्यूएल नॉट नल कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट बेसिकली रूल्स होते हैं जो कि हम अपनी डाटा इंटेग्रिटी के लिए लगाते हैं किसी भी कॉलम्स के ऊपर, फील्ड्स के ऊपर। और ये जब हम डाटा डेफिनेशन कर रहे होते हैं अपने कॉलम्स टेबल्स की, उस टाइम के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाए जाते हैं। हर कॉलम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है कि वो नल वैल्यूज़ रख सकते हैं। नल वैल्यूज़ मीन्स के हमने उस कॉलम के अंदर या उस फील्ड के अंदर कोई भी वैल्यू एंटर नहीं की है, वो उसमें कोई भी वैल्यू का हमें नहीं पता है कि वहाँ पे क्या हो सकता है। तो नॉट नल कंस्ट्रेंट जो होता है वो बेसिकली हमारे कॉलम को रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है कि तुम इसमें कोई नल वैल्यूज़ नहीं दे सकते, यानी कि जितनी देर तक आप इसके अंदर डाटा एंटर नहीं करेंगे आप नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर ही नहीं कर पाएंगे। इस कॉलम के अंदर डाटा एंटर करना जो है ज़रूरी है। ये बाज़ात हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कुछ कॉलम्स का डाटा एंटर होना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमने एक स्टूडेंट को फॉर्म दिया है फिल करने के लिए, तो उसके अंदर जो मैंडेटरी वाली हमारे पास फील्ड्स होंगी उसको हमें नॉट नल कंस्ट्रेंट वहाँ पे लगाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट को फॉर्म दिया फिल करने के लिए, उसमें स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट का फादर नेम जो है वो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, जबकि स्टूडेंट अगर ईमेल एंटर नहीं भी करता तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ईमेल जो है वो ऑप्शनल है। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट नेम और उसके फादर्स नेम के कंस्ट्रेंट में उसे नॉट नल कर देंगे, यानी कि इसके अंदर वैल्यूज़ एंटर करना लाजमी है, और जो ईमेल है उसको हम अगर नल भी कर देंगे तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।